Namaste, this is Gitu Mirpuri from Divine Tarot Academy. Divine Tarot Academy में tarot reading की classes conduct होते हैं. आप ये classes online भी सीख सकते हैं. ये video बन रहा है Aries मेष राशि के लिए. आपका मार्च 2020 कैसे जाने वाला है? तो हम check करने वाले हैं आपके career, finance, relationship, health और आपका आध्यात्मिक उन्नति कैसे होगा. Aries राशि वालों को यहाँ पर दिखाया है कि करियर में द स्टार कार्ड आया है, मीनिंग आप कुछ नया सीखेंगे जिससे 100% आपका प्रमोशन होगा फरवरी में और सॉरी मार्च मंथ में आपका प्रमोशन होगा और आप कुछ नया सीखेंगे. आपके बिजनेस के लिए भी वो यूजफुल होगा और आपका तरक्की श्योर है मार्च मंथ में. फाइनेंस के लिए कार्ड आया है कि आपको बहुत लॉजिकल रहना है. जिसके पास भी आपके पैसे हैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना है, अपने पैसे मांगने हैं और बिल्कुल भी इमोशनल नहीं होना है. किसी के भी एक्सक्यूजेस आपको नहीं सुनने हैं और रिलेशनशिप के लिए आपका बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया है कि आप फ्रेंड्स के साथ अपने पार्टनर को लेकर घूमने जाएंगे और बहुत ही अच्छा माहौल रहेगा. हेल्थ जो दिखाता है यहाँ पर कि आपको थोड़ा सा हेल्थ इश्यू आ सकता है और अगर एरीज राशि का देखेंगे तो उन्हें अपने कोलेस्ट्रॉल पे बहुत ध्यान देना है. अपने हार्ट पर आपको रेगुलर चेकअप, अगर आप अबव 40 हैं तो आपको चेकअप जरूर करवाने हैं और हेल्थ के लिए आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है. आपको वॉक्स पे जाना है, जिम जाना है, एक्सरसाइज करनी है और डाइट पर बहुत ध्यान देना है. लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए आया है मार्च मंथ में और चेकअप जरूर करवाएं. आध्यात्मिक के लिए आया है कि आपकी मनचाही प्लेस पर ट्रैवल करेंगे और अपने फ्रेंड्स से मिलेंगे, प्लस आप ऐसे लोगों के पास जाएंगे जहां पर आपकी जरूरत है. आप उन्हें कुछ हेल्प करके आएंगे. मे बी आप जैसे गरीब बच्चों को पढ़ाना हुआ या फिर किसी को कुछ चैरिटी करना, किसी गरीब लड़की की शादी करवाना, ऐसे अच्छे कार्य आपसे होने वाले हैं और जिससे आपको बहुत ही पीस मिलेगी, शांति मिलेगी. और आपका कुछ ऐसे भी ट्रैवल होने वाला है जहां पर आप कुछ सीखने जाएंगे. अगर आपको आध्यात्मिक में कुछ सीखना है जैसे योगा है, मेडिटेशंस है, रेकी है, क्रिस्टल हीलिंग है, लामा फेरा, मैग्निफाइड हीलिंग, ऐसे आप क्लासेस लर्न कर सकते हो जिससे आपका आध्यात्मिक उन्नति होगा और आपको बहुत ही कंटेंटेड महसूस होगा. आप किसी अच्छे मास्टर से भी मिलने वाले हैं जो आपको आपकी आध्यात्मिक उन्नति में आगे लेकर जाएगा. और मेष राशि के जो लोग हैं वो बहुत ही एनर्जेटिक रहते हैं, बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड रहते हैं और आपकी जो एनर्जी है उसे आपको सही दिशा में यूज करना है. और अगर आप इनएक्टिव बैठते हैं, घर पर बैठते हैं, मंगल की राशि है तो इससे आपको थोड़ा सा बोरिंग और वो आपके हेल्थ को भी अफेक्ट करता है. इसीलिए अपने आप को एक्टिव जरूर रखें. एवरी डे इवनिंग यू शुड गो आउट. अगर कुछ काम नहीं है तो कोई रिलीजियस प्लेस पर चले जाएं या कोई चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएं या कोई फ्रेंड से मिलने चले जाएं. और बेसिकली आप लोगों को एनकरेज बहुत करते हैं एरीज राशि वाले. खुद भी आप बहुत एक्साइटेड रहते हैं अपनी लाइफ के लिए. जो आपको आपके गोल्स हैं उनके तरफ आप काम करने के लिए एक्साइटेड रहते हैं, प्लस आप जहां जाते हैं दूसरों को भी एनकरेज करके आते हैं. आपको फ्री बैठने नहीं आता है एरीज राशि को, ये आपका एक प्लस पॉइंट होता है. आप बहुत ही अथॉरिटी से लोगों से बात करते हैं, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती है, तो वो सब क्वालिटीज को आप यूज करें और आप अपने हेल्थ पर मार्च मंथ में सबसे ज्यादा ध्यान दें. आपका रिलेशनशिप दिखाता है कि आप ट्रैवल करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे, वहां पर आपको थोड़ा सा डाइट कंट्रोल करना है और आपको अपना खर्चा भी कंट्रोल करना है. जो एरीज राशि वाले हैं वो बिना सोचे समझे पैसे बहुत खर्च करते हैं और आपको थोड़ा हिसाब रखना है अपने खर्चे का. पैसे जहां से लेने हैं वहां पर इमोशनल नहीं होना है. आपको लॉजिकली प्रैक्टिकली अपने पैसे वापस मांगने हैं. थैंक यू.